नमस्कार, मैं आलोक कुमार, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। आज कांवरिया एक्सप्रेस की टीम सुल्तानगंज पहुंच चुकी है। हम लोग कुछ कांवरिया से बात करते हैं, आइए। कहां से चले हैं बम? पटना। पटना से जी। थकावट लग रहा है? नहीं, कोई थकावट नहीं है। बाबा 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 के दरबार में जाना है तो क्या भूख प्यास लगा है रास्ते में? भूख प्यास क्या लगेगा, मैंने कोई भूख प्यास नहीं, चाय ताय पीते उते चलते रहना है। हाँ बम, कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला से आए हैं। दरभंगा जिला से? जी बम। कब जल उठाए थे? आज सुबह उठाए हैं। कितना बजे? 11 बजे। हाँ बम, कहाँ से आए हैं? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? जपला। जपला में कब चले हैं? कल चले थे 11 बजे। 11 बजे। हाँ। थकावट लग रहा है? थकावट वैसा नहीं, लेकिन नहीं, हाँ। आराम लग रहा है? आराम है। हर हर महादेव। हाँ, सब बाबा कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है जी। आज हाँ बाम, कहाँ से चले हैं? गया जिला से। गया जिला से? कब 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 जल कब उठाए थे बाम? आज सुबह में। कै बजे? 5 बजे। तो मतलब कि हाँ, माता जी, माता जी आप कहाँ से आई हैं? नहीं, हिंदी बोल पाती हूँ। अच्छा, तो आप बताइए। हम पुरिया बंगाल से हैं। अच्छा, आप वेस्ट बंगाल से हैं? दादा बंगाल से हैं जी। तो दादा क्या कांवर लेके जा रहे हैं? जल जल लेके जा रहे हैं। कांवर लेके नहीं जा रहे हैं? नहीं। कब से कब 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 यात्रा स्टार्ट किए थे? हम 2002 से किए थे। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? 2002 से बोले तो। अच्छा, 2002। अभी कब चले हैं, कब से यात्रा स्टार्ट किए? कल आज ही किए हैं। आज ही किए हैं? कितने बजे? वही करीब 7 बजे। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जी? जी। कोई थकावट कुछ नहीं जी? नहीं। आप पूरा हस्बैंड वाइफ के साथ अपना आए हुए हैं जी बाबा के दरबार में जी? हाँ बम, कहाँ से आए हैं? हम लोग काशी विश्वनाथ से आए हैं, बनारस। अच्छा, काशी विश्वनाथ, आहा, जय हो महादेव। काशी विश्वनाथ से आए हैं जी? हम लोग हर साल आते हैं, इस साल हमारा तीसरा साल है और हम लोग बड़े निष्ठा भाव से तरोताजा होकर। 70 लोग कम से कम आते हैं हम लोग। 70 लोग की टीम है? 70 लोग टीम है। बाकी टीम कहाँ है? सब आगे हैं। सब आगे। कब यात्रा स्टार्ट किए थे? ये हम लोग सुबह सुबह आज सुबह। जल कितने बजे उठाए थे? जल हम लोग उठाए थे 9 बजे। 70 लोग की टीम है तो कहाँ, मैंने एक बार चल देते हैं कि फिर कहीं रुकते हैं? हम लोग जाएंगे तारापुर। हाँ। तारापुर स्कूल है, वहाँ भोजन इत्यादि बन रहा होगा, हम लोग वहाँ जाएंगे, भोजन के विश्राम करेंगे, फिर अगला पड़ाव जलेबिया मोड़, फिर लास्ट में हम लोग चले जाते हैं बाबा धाम। हर हर महादेव। हाँ माता जी, कहाँ से आई हैं? धनबाद से। धनबाद से। कब 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 यात्रा स्टार्ट किए थे? 5 बजे। 5 बजे? 5 बजे भोर। कितने लोगों की टीम है आप लोग की? हम लोग का है 60-70। 15? 60-70 लोगों का टीम है। कहाँ से आए बम? चतरा से। चतरा से? हाँ। कितने लोगों का टीम है? 40 का। 40 का? हाँ। मतलब कि कहाँ से, मतलब पैदल यात्रा चल रहे, कहीं कोई तकलीफ, कोई कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे पे कोई शिकन नहीं? कोई थकावट नहीं? हर हर महादेव के नाम से। हर महादेव। कहाँ से आए हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं दादा? कितने yes. लोगों का है दादा आप लोग? हम लोग 10 जन का टीम है। 10 जन का टीम है बाम जी? बाम। सब आप लोग एक साथ है बाम? हाँ बाम, एक साथ है सब। तो यात्रा कब किए बाम? यात्रा आज मॉर्निंग में किए, 7:40 में हम लोग निकले, बस अब यात्रा में ही है। तो यात्रा माने कि सिंगल, मतलब कि एक बार में कि कहीं रुक रुक के भी जाना है बाम? नहीं, स्टॉप कर करके। थकावट? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऐसा कोई थकावट नहीं लगता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, बस बाबा का कृपा है, चले जाएंगे। हंसते गाते हर हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव। बोल बम, बोल बम, बोल बम। हड़ताली मोड़। तो यात्रा कब स्टार्ट किए थे? कल शाम को। अकेले हैं कि और कोई साथ में है? नहीं, 12 बस है। 12 बस है? 12 बस है। 12 बस? 12 बस है स्टार। अच्छा, 12 बस का टीम। कब यात्रा स्टार्ट किए थे? कल की थी यात्रा। कब स्टार्ट की थी? कल। कितने लोगों के यहाँ? हमारे साथ में है 9 लोग। कहाँ से आप लोग हैं? जमुई से। जमुई से हैं? कौन जिला है? जौनपुर जिला। कब चले हैं बम? कल ही चले हैं। कितने आदमी के यहाँ है आप लोग टोली? 150 टोली है बम जी। जी, कब चले? आज कल हम लोग ट्रेन में बैठे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, और सुबह हम लोग भोर में 2 बजे पहुंच गए सुल्तानगंज। सुल्तानगंज 2 बजे पहुंच गए थे जी। हाँ, और कुछ समय विश्राम करने के पश्चात हम लोगों ने प्रातः 8 बजे के आसपास जल उठाया है और बाबा के नगरी में, बाबा के द्वार पे पहुंचने की संपूर्ण
आपने देखा कांवरिया से बातचीत हुई, कब से उन्होंने यात्रा स्टार्ट किया। लोग पूरे भारतवर्ष से लाखों सैकड़ों की संख्या में कांवरिया सुल्तानगंज से जल भर के बाबा के दरबार में आज सावन की दूसरी सोमवारी में निकल चुके हैं। आइए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से हम बात करते हैं कि प्रशासन अधिकारी, हम कैमरामैन को दिखाएंगे कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या कांवरिया के लिए व्यवस्था किया है। आइए पहले हम स्वास्थ्य टीम से बात करते हैं, क्या व्यवस्था है कांवरिया के लिए? सभी सुविधाएं हैं, दवाई वाई सब सुविधा। हाँ, सभी कोई कांवरिया अगर चलते दौड़ के पहुंचा देते हैं दवाई सर। ड्रेसिंग की भी सुविधा है? हाँ, ड्रेसिंग की सुविधा है, सारा चीज, बेड भी दो है सर, जितना भी है हम लोग उपलब्ध करा देते हैं ट्रीटमेंट, सारा चीज, सारा ट्रीटमेंट कांवरिया के लिए यहाँ पे 24 घंटा उपलब्ध है। हम दिखाएंगे कि ये सारी कांवरिया के लिए दवा की व्यवस्था की गई है, ड्रेसिंग के सामान हैं, कुछ मलम है, और ख़ास तौर के बीपी शुगर के जो कांवरिया बम हैं उनके लिए विशेष तौर पे ये व्यवस्था की गई है। कांवरिया के लिए प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्था किया, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ दिखाएँ, और कांवरिया के लिए क्या क्या व्यवस्था की, क्या क्या प्रशासनिक विधि व्यवस्था है, आइए हम प्रशासन से बात करते हैं। हाँ सर, प्रशासन की क्या सुविधा है बम के लिए? कांवरिया के लिए यहाँ पे सभी जगह जगह पर दंडाधिकारी पुलिस की व्यवस्था है, और यहाँ पे सहायक थाना भी देख रहे हैं खुला हुआ है, बगल में मेडिकल कैंप है, सभी को सुविधाएं मिल रही है, जगह जगह पर शौचालय और पानी की व्यवस्था। अभी के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी अगले पड़ाव पर। ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहिए दैनिक न्यूज़।